जापनीज फ्रेजेस. देखिए जापनीज लैंग्वेज के अंदर अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको काइवा आनी चाहिए, यानी कि जापनीज लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए. अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो भी काइवा आनी चाहिए. लेकिन काइवा का क्या मतलब होता है? काइवा का ये मतलब नहीं होता इकीमास, ताबेमास, नोमीमास, आरिगातो गोज़ाइमास. काइवा का मतलब होता है वो एक्सप्रेशंस जो कि बिजनेस लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, वो एक्सप्रेशंस जो कि एक इंटरव्यू में अगर आप बोलें तो आपका इंप्रेशन बहुत बहुत अच्छा पड़ेगा और इंटरव्यू इजीली क्लियर हो जाएगा. तो आइए आज हम सीखेंगे 10 यूजफुल जैपनीज फ्रेजेस. इसको कह सकते हैं जॉब फ्रेजेस या फिर बिजनेस एटिकेट फ्रेजेस, बिजनेस मैनरिज्म. और इसके साथ साथ हम वो चीज़ें सीखेंगे जो कि जो इस ग्रीटिंग को, सॉरी इस फ्रेज को किस जगह पर यूज़ करना होता है आपको, इस तरह से हम सीखेंगे. देखिए हिंदी में एक्सप्लेनेशन सुनना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको बार बार रिवाइज़ करें, बार बार अपने मुंह से बोलें. अगर इन 10 फ्रेजेस को आपने सिर्फ सुन लिया हिंदी में तो इसको यूज़ कब करेंगे? यूज़ तब आप करेंगे जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, बोलेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि, लेट्स स्टार्ट. कोरेकारा ओसेवनी नारिमास, ओसेवनी नात्योरिमास. देखिए ये जो एक्सप्रेशन है जॉब में या फिर इंटरव्यू में या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में, आपने अगर बेसिक जापानीज लैंग्वेज सीखी है तो ये सीखा ही होगा. इसका काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी वाइडली यूज़ होता है ये, चाहे जापान हो चाहे इंडिया हो. इंडिया में अगर आप जापानीज के साथ जॉब कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन हमेशा हमेशा आपको सुनने को मिलेगा. इन दोनों को आप यूज़ करिए. इसमें पहला जो एक्सप्रेशन है कोरेकारा ओसेवनी नारिमास, इसका मतलब है कि अब से मैं आपकी हेल्प लूँगा. और ओसेवनी नात्योरिमास यूज़ होगा कि आप मेरी रेगुलरली हेल्प कर रहे हैं. तो आपको समझ आ गया, अगर आप पहली बार मिल रहे हैं जापनीज से और उसके साथ आपको काम करना है तो कोरेकारा ओसेवनी नारिमास. और अगर आप रेगुलरली उससे मिल रहे हैं और ओसेवनी नात्योरिमास आप उसको बोल रहे हैं. एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जैसे कई बार आपको आपके सीनियर्स बोलेंगे सेवा का मतलब सेवा जो हिंदी में होता है वही होता है, लेकिन इसमें बस एक फ़र्क होता है, याद रखिएगा कि जापनीज में जब ओसेवा बोलते हैं तो इसका मतलब होता है देखभाल, यानी कि ये बड़े छोटों की करते हैं, यानी कि सीनियर जो है वो जूनियर की करते हैं. या फिर आपने जैसे कोई पेट पाला हुआ है या पौधा है आपके पास तो उसकी भी आप ओसेवा इश्तेमास, यानी कि मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ. लेकिन हिंदी वाला जो सेवा है वो उल्टा होता है, उसमें छोटे बड़ों की सेवा करते हैं, तो ये फ़र्क होता है. तो इसको सेवा ना समझ के देखभाल मानिए. हालांकि इसको एक ऑफिशियल एक्सप्रेशन की तरह ये मेल्स में भी यूज़ होता है, बस ऐसे ही रट्टा मारिए कि मेल्स में स्टार्टिंग में यूज़ होता है ओसेवा नात्योरिमास क्लाइंट्स के लिए. और ये सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा एक्सप्रेशन है जापनीज लैंग्वेज में जब आप जॉब करते हैं तो ऑफिशियल फील होने के लिए, एकदम ऑफिशियल एक्सप्रेशन आने के लिए एक्सप्रेशन यूज़ होता है. नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं क्यों कारा नानी नानी बुशो या फिर नानी नानी बुमो नी हाइजो को सारे माश्ता. ये थोड़ा सा एडवांस एक्सप्रेशन है, इसको अगर आप जापान जाके यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा. यहाँ इंडिया में अगर आपको किसी बुशो में, बुमोन में, यानी कि डिपार्टमेंट में एलोकेट किया गया है तो ऑलरेडी आपको जैपनीज एक्सप्लेन करेगा बजाय इसके कि आप जैपनीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं. लेकिन फिर भी इसका मीनिंग समझ लेते हैं. क्यों करा नान्या नानी बुशो, बुशो बुमोन एक ही बात है, डिपार्टमेंट या सेक्शन कह सकते हैं. हाइजोक का मतलब होता है मुझे यहाँ पर अब ड्यूटी सौंप दी गई है. हाइजोक सारे माश्ता, सारे माश्ता मतलब मुझे ये किया गया है. तो अपने आपको एक तरह से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि अब से मैं आपके अंडर हूँ या फिर अब से मैं इस सेक्शन में हूँ, इस एक्सप्रेशन का आप यूज़ कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ये जापनीज लैंग्वेज को यूज़ करके जो लोग जॉब करते हैं, जो बच्चे जॉब करते हैं, उनके लिए काफ़ी काफ़ी इस तरह के फिलर्स की ज़रूरत होती है. जैसे पहले लिखा है निहोंगोवा हमारी जोजू देवा नहीं दिसगा इशो के मेनी गमारी मास, मेरी जापनीज उतनी तो अच्छी नहीं है लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत से काम करूँगा. देखिए इस तरह के जो हम्बल एक्सप्रेशन होते हैं वो हिंदी में कम यूज़ होते हैं, इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती. इसका जापान में, जापनीज लैंग्वेज में, जापनीज कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है अपने आप के लिए हम्बल एक्सप्रेशन यूज़ करना, यानी कि मैं, मेरे में कमी है, मैं अभी कम हूँ, मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ और आप मुझे गाइड करिएगा. इस तरह के एक्सप्रेशन काफ़ी वाइडली यूज़ होते हैं, इसलिए इनको बार 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 बोलिए, बार बार रिपीट करिए, अपनी काइवा में इसको डालिए. जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है वाखारा नाई को तो बाखारी दिसगा से पाई गंबारी मास, यानी कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता हैं लेकिन फिर भी मेरी पूरी मेहनत से मैं अपनी काम करूँगा. से पाई का मतलब होता है पूरा भरपूर, गंबारी मास मतलब मैं मेहनत करूँगा. तो इस तरह से फिलर्स जो हैं वो काइवा को स्टार्ट करते हैं, जापनीज पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो भी जानते हैं कि एटलीस्ट इतने फॉर्मल लैंग्वेज आप बोल पा रहे हैं, इतने एक्सप्रेशन, इतने फिलर्स आप बोल पा रहे हैं. तो आपको सिखाना चाहिए और अच्छी अच्छी लैंग्वेज सिखानी चाहिए, तो एक तरह का आपका फ्लो बनाता है, एक तरह से अच्छा कनेक्शन बनाता है जापनीज से.
चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमिमासेन इमा ओजिकान योरोशी देस्का। देखिए देखने में सुनने में बड़ा सिंपल लगता है कि हाँ ये तो बड़ा सिंपल सा है, मुझे पता है, लेकिन इसको ना यूज़ नहीं कर पाते हैं। जब असली असली काम आता है तो ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं और अचानक काम की बात शुरू कर देते हैं। तो हमेशा मैं क्लास में भी ये सिखाता हूँ कि काम का जैसे कोई आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से पहले पूछिए हितोत सुशिष्ठते मोहिदिस का, इस तरह से फिलर्स को यूज़ करिए, इस तरह से ग्रीटिंग्स को यूज़ करिए, तब आपकी काइबो बहुत स्मूथ हो जाएगी। और क्योंकि अगर आपने जर्मनी के साथ काम किया तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, वो लोग भी आपस में एक दूसरे से पहले क्वेश्चन पूछ के फिर असली बात पर आते हैं। एक और एग्जांपल है इमा योरोशी देशों का। तो हमेशा जब भी अचानक बात ना शुरू करके टाइम के बारे में कि आपके पास टाइम है तो ये एक्सप्रेशन आपको यूज़ करना है। चलिए आगे देखते हैं। नानी नानी ओ मिते इतदाइतमो योरोशी देश का। देखिए इन अब आगे थोड़े से और एडवांस एक्सप्रेशन में हम जाने वाले हैं, तो उनसे पहले मैं एक चीज़ आपको सिखाता हूँ। ते इतदा की मास हमेशा सामने वाले के लिए होगा, जो वर्ब सामने वाले को करनी है। जैसे मिते इतदा को मतलब देखना है यानी कि चेक करना है कोई डॉक्यूमेंट, तो वो बॉस ने करना है तो बॉस के लिए यूज़ होगा। नानी नानी ओ मिते इतदाइतमो योरोशी देश का, यानी कि आप इसको देख सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे सिमिलरली एक और एक्सप्रेशन नीचे दिया हुआ है, नानी नानी ओ चेक कुछ ते इतदाइतमो योरोशी देश का। तो उश्ते तदाइते मतलब आप करेंगे, चेक उश्ते तदाइते मो ई दिस्का या फिर मो योरोशी दिस्का का मतलब है क्या आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के फिलर्स की बहुत ज़रूरत होती है जॉब के अंदर, और अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई आपको तो आप इंटरव्यू के अंदर भी थोड़ा बहुत स्टार्ट करके या अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते समय बोल सकते हैं कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, या माजवा जिबुन्नो गाकुरे की दिसगा, कोरेकारवा जिबुन्नो केकेन दिसगा, अचानक केकेन ना बता के केकेन दिसगा करके बताएंगे तो एक तरह से बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सुनने में अच्छी आपकी काइवा लगेगी। चले आगे बढ़ते हैं। कोनोशी को तो वाताशिनी यारा सहते कुदासाई। ये काम मुझसे करवाइए। अब देखिए ये अभी हमने तेई तदा की मास सीखा था, यानी कि ये काम आप करिए, और सासेते तदा की मास मतलब ये काम मुझे करने दीजिए। अलोमी अलोमी के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग है कोनोशी को तो वाताशिनी यारा सहते कुदासाई, मतलब ये काम आप मुझसे करवाइए या फिर मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम मुझे करने दीजिए। और जो एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है वाताशिनी माका सेते कुदासाई, माका सेरू का अलग से मतलब होता है एंट्रस्ट करना या फिर सौंप देना कोई काम, तो माका सेते कुदासाई मतलब मुझ पर सौंप दीजिए, ये काम मुझे दे दीजिए। चलिए अगर देखते हैं, ये भी बड़ा वाइडली यूज्ड एक्सप्रेशन है जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह में, गोसेट्स में सासेते तदाकिमास। अब ये वही एग्जांपल आगे जो मैं आपको अभी बता रहा था कि शिते तदाकिमास मतलब ये आप कर दीजिए और सासेते तदाकिमास मतलब ये काम मुझे करने दीजिए या फिर ये काम मैं करूँगा सिंपली। तो गोसेज में सासेते तदा की मास का मतलब है कि मैं आपको अब एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। और जो नीचे एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है शिते तदा की मास का, ये आप इन दोनों का सेट बना के याद रखिए। ऊपर वाला जो है सासेते तदा की मास यानी कि अलाउमी मुझे करने दीजिए मैं करूँगा, और शिते तदा की मास का यानी कि क्या ये आप कर सकते हैं। जैसे कि पिछला जो एक्सप्रेशन था इससे पिछले से पिछला चेक उश्ते तदा इतमो योरोशी दिस का, तो उसको भी आप इस एक्सप्रेशन में बदल के बोल सकते हैं चेक उश्ते तदा की मास का, या कोरे ओशियते ही तदा के मास का, क्या आप मुझे ये बता देंगे, क्या आप ये चेक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कार समादेशता या फिर गोकुरो समादेशता, ये भी काफ़ी वाइडली यूज्ड एक्सप्रेशन है, आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ाई में भी ये काफ़ी सिखाया जाता है, लेकिन इसको यूज़ करते समय हम भूल जाते हैं कि कब यूज़ करना है। तो वही बात है कि मैं भी जैसे आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये भी एक तरह की पढ़ाई है। असली मुद्दा है कि आप इसको बार बार बोलें, इसको बार बार चाहे तो नोट्स बना लें, इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप मुंह पे चढ़ जाएगा और प्रैक्टिस आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कहाँ यूज़ करना है। तो बात है शुरू की, स्टार्ट करने की, दो बार तीन बार इसको अपने जॉब में, अपने इंटरव्यू में, अपने सीनियर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ यूज़ करिए। चलिए देखते हैं उत्कार समादेशता, इसका मतलब होता है दोनों का मतलब तो एक ही है कि आज के लिए थैंक्स, वेल डन, मतलब आज के लिए बहुत अच्छा लगा, थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाय बाय बोल रहे हैं तो उत्कार समादेश, उत्कार समादेशता, इस तरह से हम जाते हैं। और नीचे का जो एक्सप्रेशन है गोकुरो समादेशता, ये एक्सप्रेशन सिर्फ सीनियर्स यूज़ करेंगे अपने जूनियर के लिए, तो याद रखिए अगर आपका कोई जूनियर है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी फिलहाल के लिए उत्कार समादेशता ही यूज़ करना है। गोकुरो समादेशता जो है वो आपको आपका सीनियर बोलेगा, मीनिंग दोनों का लगभग लगभग एक ही है, वेल डन या गुड जॉब डन टुडे। चले बढ़ते हैं, लास्ट एक्सप्रेशन है योरोशिको निगाशिमास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है लेकिन आपको याद रखना है कि ये बार बार यूज़ करना है, ये ज़्यादातर जगहों पर 90% जगहों पर यूज़ हो जाता है। इसका मतलब होता है कि मतलब इसका हिंदी में कोई मीनिंग नहीं होता इसका, इसका कैसे बता सकते हैं, जैसे कि योरोशिको निगाशिमास होता है कि चलिए काम शुरू कर दीजिए, यानी कि हमने सारी एक्सप्लेनेशन कर ली है चलिए अब काम शुरू करते हैं, या फिर अपना इंट्रोडक्शन वगैरह खत्म हो गया तो अब चलिए योरोशिको निगाशिमास, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें या अब हम काम शुरू करते हैं, या फिर हम एक दूसरे से सपोर्ट मांगते हैं। तो एक तरह से ये भी बाय बाय के तौर पर होता है, लेकिन
वो शाम वाला वाइब है नहीं, दिन में काम करते समय आप इसको यूज़ करिए कि चलिए अब ठीक है अब काम शुरू करते हैं, अब आप अपना काम करिए मैं अपना काम करता हूँ, योर्स को निगाशिमास, या फिर थैंक यू सो मच भी इसको यूज़ कर के तौर पे आप सोच सकते हैं। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए और वाइडली अलग अलग जगहों पर ये यूज़ हो जाता है। इस तरह से आगे आने वाले वीडियोज़ में भी हम कुछ एडवांस, बहुत ही एडवांस एक्सप्रेशन जो कि ऑफिशियल मीटिंग वगैरह में या प्रेजेंटेशन वगैरह में यूज़ होते हैं, आगे के आने वाले वीडियोज़ में मेरी कोशिश है मैं डालूंगा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, इन एक्सप्रेशंस को बार बार यूज़ करिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो भी यूज़ करिए, इंटरव्यू के बाद आपके जॉब स्टार्ट होती है तो उसके अंदर भी यूज़ करिए इन एक्सप्रेशंस के साथ। अगर आप अच्छी लैंग्वेज बोलना शुरू करेंगे जापनीज़ के साथ तो वो भी इसी लेवल की लैंग्वेज आपको सिखाएंगे, उनको सुन के आप कॉपी पेस्ट करिए और विद इन नो टाइम, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आपकी जापनीज़ बिल्कुल जापनीज़ जैसी भी हो सकती है। ऑल द बेस्ट।